नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ब्यूटी केयर में। और आज का जो वीडियो है वो है, अगर जिन लोगों को पीरियड लैप्स हो रहा है, जिन महिलाओं को, वो तुरंत ऐसा क्या खाएं जिससे उन्हें पीरियड्स में लेट ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्चुअली काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि जो ये पीरियड लैप्स हो जाते हैं, कई बार स्ट्रेस से हो जाते हैं, 15-20 दिन लेट हो जाते हैं, या फिर कई बार जो गैप है ये 1 मंथ का भी हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, महिलाएं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा क्या करें जिससे ये पीरियड्स टाइम पे हो जाए। तो कुछ ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे घरेलू रसोई में इंग्रेडिएंट होते हैं जिनकी मदद से अगर आपको पीरियड लैप्स हो रहे हैं तो आप उन्हें अगर खाते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे आपके पीरियड्स 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो में बता देती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली और पॉपुलर रेमेडी है अजवाइन और गुड़। कई लोगों का सवाल होता है, हमारे पास अगर गुड़ नहीं है तो क्या हम चीनी ले सकते हैं? तो आप चीनी नहीं लेंगे, क्योंकि जो गुड़ होती है उसकी तासीर गर्म होती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन होती है वो ले लीजिए, 1 ग्लास पानी जो होता है उसे बॉइल कर लीजिए। उसे तब तक बॉइल करना है जब तक वो आधा ग्लास ना रह जाए। और जब वो बॉइल हो जाता है तो उसे जिस तरीके से चाय पी जाती है, आप सुबह भी पी सकते हैं या रात में भी पी सकते हैं, सोने से पहले बेटर होगा आप सुबह पी लें। उसे अच्छे से बॉइल कर लीजिए अजवाइन और गुड़ को, और जब वो 1 कप या आधा ग्लास रह जाता है तो उसे सिप सिप करके पी लीजिए। ऐसा आप 1-2 दिन करेंगे या फिर सुबह और शाम को कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो एक टाइम इसको सेवन कीजिए और आप देखेंगे कि 1-2 दिन में जो आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं वो हो जाएंगे। दूसरी जो रेमेडी है वो है कच्चा पपीता। अगर आप पीरियड लैप्स हैं तो आप कच्चा पपीता खा सकते हैं। कच्चा पपीता क्या करता है, हमारे पेट में कॉन्ट्रेक्शन जो होता है वो बढ़ा देता है। इससे आपके जो पीरियड्स होते हैं वो अगर डिले हो रहे हैं तो वो टाइम पे हो जाते हैं। अगर आप कच्चा पपीता नहीं खा पा रहे हैं तो आप उसका जूस भी पी सकते हैं, ये आपको पीरियड जल्दी लाने में काफ़ी मदद करेगा। एक बहुत ही नेचुरल रेमेडी है वो है अदरक, क्योंकि अदरक की जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है। अगर आप नोटिस करेंगे कि आप तेज अदरक डाल के चाय को पीते हैं तो इससे भी आपको पीरियड बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो आप अदरक का 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप एक अदरक का टुकड़ा काट लीजिए और पानी में बॉईल करके उसे जब तक वो 1 कप ना हो जाए उसे बॉईल कीजिए, उसके बाद उसे पी लीजिए। इसके अलावा आप चाय में इसको, इसकी जो क्वांटिटी होती है उसे बढ़ा दीजिए। या तीसरा ऑप्शन है, आप हल्का सा अदरक का जूस बना लीजिए, उसको घिस लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और जो शहद होता है उसके साथ मिक्स करके उसका सेवन कीजिए। इससे भी आपको जो पीरियड्स होते हैं वो तुरंत आ जाएंगे। एक नेचुरल रेमेडी और है दोस्तों, जो धनिया होता है, सूखा धनिया सभी के घरों में होगा। आपको क्या करना है, जो धनिया होता है वो ले लीजिए 1 से 2 चम्मच और उसे 1 कप पानी या 1 ग्लास पानी में बॉईल कर लीजिए। 1 ग्लास पानी को वैसे ही बॉईल करना है, जब वो 1 कप हो जाए या आधा बच जाए तो उसे चाय की तरह सेवन करना है। 2 से 3 दिन अगर आप इसे पियेंगे तो इससे भी आपके जो पीरियड्स हैं अगर वो डिले हो रहे हैं तो वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। पीरियड अगर प्रेगनेंसी का इश्यू है या फिर आपको डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या अदर कोई ऐसा लक्षण आपको दिख रहा है जिससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है तो आप बेटर होगा, इन होम रेमेडीज से अच्छा है आप डॉक्टर एडवाइस ज़रूर लें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।